दिल मेरा ले लो, दिल देने आई ले लो जी ले लो जी। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की बेबो यानी कि करीना कपूर खान के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध, और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस खास प्रोग्राम में बॉलीवुड की बेबो, बॉलीवुड में पू कहलाए जाने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर खान की, जो अक्सर ही अपनी सुंदरता को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बनी रहती हैं। करीना कपूर इतनी खूबसूरत हैं कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जो करीना कपूर को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, लेकिन हाल ही में इन दिनों करीना कपूर अपने शो रेडियो शो को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं। वो अपने शो में काफी सेलिब्रिटीज को इनवाइट करती हैं और उनके साथ मिलकर काफी सारी बातचीत भी करती हैं। करीना कपूर अपने बेटे तैमूर की वजह से भी खूब चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर करीना को ये कहकर ट्रॉल किया जाता है कि उनका बेटा तैमूर ज्यादा वक्त अपनी माँ करीना के साथ नहीं बल्कि नैनी के साथ बिताता है। और वहीं आपको बता दें कि करीना कपूर ने अपने इन ट्रॉलर्स को काफी मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। तो फिर आइए डालते हैं नजर आज के हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार करीना से जुड़ी कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। ये तो आप भी जानते हैं, जब भी सोहा अली खान की बात होती है तो करीना अपनी ननद सोहा अली खान से हर तरह की बातें करती है। और इस बारे में हाल ही में खुलासा हुआ कि अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को लेकर भी सोहा से सवाल कर सकती है करीना। दरअसल सात पटौदी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद सोहा ने अपने फैंस के बीच ये मैसेज शेयर किया। उन्होंने कहा, व्हाट वुमन वांट वॉच करीना कपूर खान एंड मायसेल्फ इन अ फ्री विलिंग कन्वर्सेशन अबाउट रिलेशनशिप पेरेंटिंग एंड द प्लेजर्स एंड द प्रेशर्स ऑफ सोशल मीडिया डू द इश्क बेबी। बता दे आपको इस शो को लेकर साग पटौदी यानी कि सारा अली खान पटौदी का कहना था कि न सिर्फ सोशल मीडिया पर खुद को मेंटेन करने का प्रेशर ही उनका झेलना पड़ता है, बल्कि पेरेंटिंग और रिलेशन को मेंटेन करना भी काफी मुश्किल का काम है। अपने सास ससुर को लेकर भी करीना ने पटौदी खानदान की बहू होने के नाते सवाल किए साग पटौदी यानी कि सोहा अली खान से। वल उन्होंने किया खुलासा अपने सास ससुर को लेकर सोहा से सवाल करते हुए कि पेरेंट बनने के बाद उन्होंने सीख क्या क्या ली है अपने पेरेंट्स, यानी कि सोहा अपने माँ बाप से शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी से क्या क्या सीख लेकर आई। इस बारे में उन्होंने बताया, सोहा अली खान ने बताया कि वो अपने पापा से सीखती थी कि हर चीज को फ्री छोड़ देना चाहिए। खैर, उनका कहना बिल्कुल सही था। जी हाँ, बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान की हम कर रहे हैं बात, जिस करीना कपूर खान ने अपने अंदाज से हमेशा लोगों के दिलों पर राज किया। उस करीना ने कई बार लोगों की तरफ से आलोचनाओं का भी सामना किया। फिल्मा बनने के बाद जिस करीना कपूर खान को प्रेगनेंसी फैट की वजह से कई बार अपमानित होना भी पड़ा, वो करीना जिम करती हुई खुद को फिट करने में कोई कसर बाकी रखती नजर नहीं आई। बॉलीवुड में ट्रेंड सेट करने वाली करीना कपूर खान ने अपनी प्रेगनेंसी के दिनों के हर मौके पर मोमेंट को शेयर किया, अपनी खुशियों को लौटाया, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर कई बार करीना कपूर खान को प्रेगनेंसी फैट की वजह से ट्रॉलिंग का शिकार हुआ, जिसे लेकर हाल ही में उनका पारा हाई हो गया, या यूं कह लीजिए कि टेम्परेचर हाई हो गया। करीना कपूर खान ने इसे लेकर सवाल किया डू द इश्क बेबी शो में अपनी ननद सोहा अली खान यानी कि सोहा अली खान खेमू से, जिस पर गर्म माहौल में सोहा ने दिया जवाब कि खुद को प्लीज करना चाहिए क्रिटिसाइजर्स, या फिर वो जो सेलिब्रिटी मॉम पर सवाल खड़े करते हैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। करीना कपूर खान के सामने यही जवाब आया सोहा से, जिससे ये बात तो साफ मालूम होता है कि करीना कपूर खान सच में आज भी ये सोचती हैं कि नन्हे तैमूर को जन्म देने के बाद मीडिया के बीच बॉलीवुड में सेलिब्स मॉम होने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है।
बॉलीवुड में चर्चा बटोरने वाली अभिनेत्रियों के बीच आपने हमेशा से करीना कपूर खान के बारे में ये तो जाना ही होगा कि करीना बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस है जो हर बात बेबाक कह देती हैं। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बता दें, अभी हाल ही में अपने एक शो में करीना कपूर खान ने एक रेडियो शो के दौरान अपनी ननद सोहा अली खान से किया सवाल उनके हस्बैंड को लेकर। उन्होंने पूछा, क्या लगता है आपको सोहा, आपके हस्बैंड पापा बनने के बाद चेंज हो गए, यानी कि इनाया नौमी खेमू के जन्म के बाद एज अ पेरेंट बनने वाले सोहा और कुणाल के बारे में। रिश्ते की खुलासे पर करीना कपूर खान ने जानना चाहा सोहा का जवाब, तो सोहा ने बताया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और तारीफ ही की कुणाल खेमू की। मतलब ये साफ है कि सोहा से उनके घर के राज जानने के लिए बेताब थी करीना अपने शो के दौरान, जो अपनी ननद के घर के पोल खोलने के लिए थी तैयार। और सोहा ने हर बात का जीवन दिया जवाब। इंस्टाग्राम पर अगर आप सोहा अली खान को फॉलो कर रहे होंगे तो आप जान जाएंगे कि सोहा ने इससे जुड़े एक प्रोमो को शेयर भी किया, जो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप देख सकते हैं। और तो और उससे जुड़े कुछ और भी बातें उन्होंने लिखी। जी हाँ, अपनी भाभी करीना कपूर खान के साथ सोहा को आप पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए देख पाएंगे, जिससे जुड़ी कई बातें सामने भी आएंगी। वहीं आपको बता दें, सोहा और करीना के बाद जो सामने आए हैं वो काफी लाजवाब रहे। दोनों की बॉन्डिंग भी सामने आई, जिससे जुड़ी कई जानकारी पता चली है। बॉलीवुड के बेबो करीना कपूर खान अक्सर ही अपनी सुंदरता को लेकर खूब जानी जाती हैं। तो वहीं अब आपको बता दें कि करीना कपूर जल्द ही फिल्म गुड न्यूज में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में करीना कपूर खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ रोमांस करती हुई दिखाई देंगी। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में गुड न्यूज के सेट से करीना कपूर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो दो लड़कों के बीच में खड़ी होकर काफी ज्यादा एंजॉय करती हुई नजर आई और कैमरे के सामने पोज देती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस दौरान करीना कपूर ने जींस और एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था। पतली कमर दिखाकर करीना कपूर हुस्न के जलवे बिखेरती हुई नजर आई। करीना कपूर की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि करीना कपूर के साइड में दो लड़के खड़े हैं और एक लड़की भी वहां पर मौजूद है, और ये तस्वीर फिल्म गुड न्यूज के सेट के दौरान की है। बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर अक्सर ही काफी ज्यादा ट्रॉल होती रहती हैं। दरअसल आपको बता दें कि तैमूर की वजह से करीना कपूर को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रॉल किया जाता है, और ट्रॉलर्स हमेशा यही कहते हुए नजर आते हैं कि करीना अपने बेटे तैमूर का ख्याल नहीं रखती, बल्कि उनकी नैनी उनका ख्याल रखती है। तो वहीं हाल ही में जब तैमूर की नैनी को लेकर करीना कपूर को सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया जाने लगा, तो उन्होंने ट्रॉलर्स को करारा जवाब दिया है। करीना को ये कहकर निशाना बनाया जाने लगा कि वो तैमूर को उनकी नैनी के भरोसे छोड़ देती हैं, और इसीलिए तैमूर को अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी नैनी के साथ बिताना पड़ता है। करीना कपूर खान ऐसी आलोचनाओं को हल्के में नहीं लिया, और उन्होंने ट्रॉलर्स को अपने रेडियो शो के जरिए जवाब देते हुए कहा कि एक बात बोलना चाहती हूँ, हाल ही में मुझे एक तस्वीर पर ट्रॉल किया गया था जहाँ मैं एक निजी जेट में चढ़ रही थी, और ट्रॉलिंग इस बात को लेकर थी कि मैं एक लापरवाह माँ हूँ, इसलिए अपने बच्चे को उनकी नैनी के भरोसे छोड़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग जो अपने मन से सारी बातें बना लेते हैं बिना मेरी निजी जिंदगी के बारे में कुछ जाने, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना काम से काम रखें। बॉलीवुड में इन दिनों स्टार किड्स का जलवा सातवें आसमान पर है। स्टार किड्स एक के बाद एक बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि करीना कपूर और सैफ अली खान के नन्हे बेटे तैमूर अली खान भी अपनी क्यूटनेस को लेकर बड़े बड़े सितारों को मात देते हुए नजर आते हैं। तो वहीं क्यूटनेस के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान और कुणाल खेमू की बेटी इनाया खेमू भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हाल ही में सोहा अली खान ने मीडिया को गुस्से से लाल होकर काफी ज्यादा गंदी लताड़ लगाई है। जी हाँ, सोहा अली खान का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी इनाया खेमू की तस्वीर क्लिक कराना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सोहा ने FM 104.8 पर प्रसारित होने वाले शो What Women Want with करीना कपूर खान पर कहा, एक बच्चा इस उम्र में अपनी मासूमियत के लिए जाना जाता है,
कैमरे और शटर बक्स से लगातार घिरे रहने के कारण बच्चे को ये मासूमियत खोनी पड़ती है। ये भयानक और चिंताजनक है, सोहा ने कहा। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बेटी इनाया की तस्वीर क्लिक की जाए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई गोपनीयता नहीं है, ऐसी चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। फिल्म वीरे दी वेडिंग तो आप सभी ने देखी होगी। इस फिल्म में बॉलीवुड की फैशन दीवा सोनम कपूर और बॉलीवुड की बेबी करीना कपूर खान की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। लेकिन रियल लाइफ में भी करीना कपूर और सोनम कपूर एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं। एक दूसरे के साथ टाइम बिताती हुई भी नजर आती हैं। लेकिन अब खबर है कि एक एक्टर की वजह से इन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई है। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार है। दरअसल इन दिनों अक्षय कुमार डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में काम कर रहे हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि फिल्म में अक्षय के साथ सोनम कपूर या फिर करीना कपूर काम कर सकती हैं और इसी वजह से दोनों में जंग भी छिड़ गई है। खबर है कि सोनम ने हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी से मुलाकात की थी। वहीं अक्षय ने भी सोनम की फिल्म में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि जमकर तारीफ की। कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों की फिल्म सूर्यवंशी में सोनम की एंट्री हो सकती है। सोनम के साथ साथ इस फिल्म के लिए करीना का नाम भी सोचा जा रहा है। करीना भी रोहित शेट्टी से बीते ही दिनों मिलने के लिए मौजूद हुई थी। खबर यह है कि करीना रोहित से फिल्म सूर्यवंशी के बारे में ही डिस्कस करने के लिए उनके पास पहुंच गई थी। वेल, अब देखना ही काफी दिलचस्प होगा कि इस फिल्म में सोनम कपूर नजर आती हैं या फिर करीना कपूर नजर आती हैं। कौन बाजी मारता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को करीना से जुड़ी काफी दिलचस्प और मजेदार चटपटी खबरों से रूबरू करवाया। ये वो खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं और करीना ने जिस तरह से अपने ट्रॉलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है वो वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग है। करीना ने यह साफ तौर पर अपने ट्रॉलर्स को कहा कि अपने काम से काम रखो। वेल, ट्रॉलर्स को जिस तरह से करीना ने मुंह तोड़ जवाब दिया ये वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि आए दिन ट्रॉलर्स किसी ना किसी को अपने निशाने पर ले ही लेते हैं और इस तरह से जब करीना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया पूरी दुनिया के सामने तो ये वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग और काफी ज्यादा बेहतरीन भी था। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश न होइए, बॉलीवुड से जुड़ी काफी मजेदार हॉट स्पाइसी चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।